क्रोमेजन, क्या बात हो गई? ये पूछ क्या नहीं हुआ, तुझे कितने दिन हो गए ठाली बैठे बैठे, कम से कम इतना तो कर कि हमें दो वक्त की रोटी मिल जाए। अम्मजान, तुम ये सोच रही हो कि मुझे घर का फिक्र नहीं है, मैं सोच रहा था कि मैंने दूसरों के यहाँ खूब काम करके देख लिया, पर नौकरी करने में कोई फायदा नजर नहीं आया। तो फिर अब ठाली बैठकर भूखे मरने में ज्यादा फायदा नजर आ रहा तुझे? अम्मी मेरी बात तो सुनो, अपना दिमाग ठंडा करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। चल चल, ज्यादा मक्खन मत लगा, अपने सड़े दिमाग की बेहूदा बात जल्दी बता। अम्मी जान, मैं तो जो सोचूंगा तुम्हारे फायदे की बात सोचूंगा। अब मेरा ज्यादा टाइम बर्बाद मत कर, कम बखत जल्दी बता। मैं कह रहा हूँ, दूसरों के यहाँ नौकरी करने में हमें बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी मिलेगी, और मैं हमेशा एक नौकर ही रहूंगा और तुम एक नौकर की माँ रहोगी। अगर तुम मेरी बात मान लो तो हम रातों रात मालदार हो जाएंगे। रातों रात मालदार हो जाएंगे? हाँ अम्मी जान। कम बखत मारे किसी के यहाँ डाका डालने का इरादा है क्या? नहीं अम्मी जान। तो फिर मैं व्यापार करूंगा। व्यापार करेगा? तुझे नहाने खाने की तो कल है नहीं, व्यापार करेगा? अम्मी जान, तुम्हारी गलत फहमी है, हर तरह के आदमी के यहाँ मैंने नौकरी करके बहुत बड़ा तजुर्बा ले लिया है, मुझे व्यापार करने का तजुर्बा अच्छी तरह मालूम हो गया है। तू ज्यादा दिमाग खराब मत कर, जल्दी बता क्या काम करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ियों का व्यापार शुरू कर दूँ। हैं, लकड़ियों का व्यापार? हाँ अम्मी जान। पर ये तो बता, दुनिया में कोई काम ऐसा है जो बिना पैसे के हो जाए? घर में नहीं है दाने, चल रही माँ भुनाने। यही तो तुम्हारी भूल है अम्मी जान, आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें पता नहीं है लकड़ियों के व्यापार में एक पैसा भी अपने पास से लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा? हाँ। वो कैसे? इसमें क्या है, जंगल से काट कर बाजार में बेच दो, हो गया व्यापार मुफ्त में। बस तुम मुझे एक कुल्हाड़ी दिलवा दो। लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी? पैसे तो हो जाएंगे अम्मी जान, अगर तुम मेरी एक बात मान लो। चल बता कहाँ से आएंगे पैसे? तुम अपने ये कंगन मुझे दे दो, मैं इन्हें बेचकर कुल्हाड़ी ले लूंगा, व्यापार शुरू। अरे बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि व्यापार तो दूर, मेरे हाथ से कंगन और जाते रहें। अम्मी जान फिक्र ना करो, कारोबार चलने दो, कसम से तुम्हें सोने से ऊपर से नीचे तक पीली कर दूंगा। ले चल, सोने से पीली तू तो जैसी करेगा, ठीक है तू अपना काम शुरू कर। अम्मी तो कितनी अच्छी है, हैं? तू तो बहुत ही अच्छी है अम्मी। चल चल अपना काम कर। तो मैं चला अम्मी जान, अब देखना अपने शेख चिल्ली की करामात। पता नहीं कैसा व्यापार करेगा। अम्मी भी पुराने ख्यालातों में उलझी हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अरे आदमी के पास दिमाग है तो क्या नहीं कर सकता, देखो कैसे पैसा हमारे आगे पीछे दौड़ता है। पैसा लगाकर व्यापार किया तो क्या किया, तारीफ तो उसमें है कि जेब से एक रुपया भी ना लगे और दुनिया भर का पैसा दिमाग से इकट्ठा कर ले। ये रहा दुनिया भर का पैसा, इकट्ठा करने वाला चाहिए, चलो मियाँ लग जाओ, क्योंकि माल बाजार तक भी पहुंचाना है। अबे ये क्या कर रहा है, जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है, अबे नीचे गिर जाएगा मूरख। अबे खबीस, तू मेरे को मूरख बोल रहा है? तू मूरख, तेरा बाप मूरख? अरे मां कह रहा हूँ कि नीचे गिर जाएगा। मैं नू कह रहा हूँ तू निकल ले यहाँ से, नहीं तो डाल काटने से पहले तेरी गर्दन ही काट डालूंगा। गुस्सा मत दिला, निकल ले, निकल ले चुपचाप यहाँ से। अबे बिल्कुल ही पागल है क्या? सुबह सुबह कर दिया ना दिमाग खराब, वो हमें सलाह दे रहा है। अब हम दुनिया को रास्ता बतलाने वाले आदमी है, हमें सलाह दे रहा है। आजकल किसी को खाता पीता देख कर जलने वालों की भी भरमार है, पर मैं इसकी बातों में आने वाला कहां हूं। मर गया, मर गया, आय अल्लाह मेरी कमर टूट गई, अरे मैं तो मर गया, अरे मर गया। वो आदमी तो मुझे बता कर गया था कि तू नीचे गिर जाएगा, कमाल है, आगे क्या होने वाला है उसे तो सब मालूम है।
इसका मतलब वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़ा सिद्ध है। लेकिन अब वो कहाँ चला गया, कहाँ होगा, मैं उसे कहाँ तलाश करूं? शायद इसी रास्ते पर गया था, चलो चलकर देखता हूँ। और वो जा रहा सामने, हाँ वो रहा। अरे खुदा के नेक बंदे रुक जाओ, अरे नेक बंदे रुक जाओ, अरे खुदा के नेक बंदे रुक जाओ। अरे ये तो वही पागल है जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रिया था, पर ये मेरे पीछे क्यों भाग रिया है? मुझे माफ कर दो बड़े मियाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़े मियाँ, तुमसे उल्टा सीधा कह दिया, मुझे माफ कर दो बड़े मियाँ। अरे भाई मेरे पैर तो छोड़ो। पहले तुम कहो तुमने मुझे माफ कर दिया। अरे भाई हमने तुम्हें माफ कर दिया, अब तो छोड़ो। बड़े मियाँ तुम तो खुदा के फरिश्ते हो, बड़े मियाँ खुदा के फरिश्ते हो, आगे क्या होने वाला है सब मालूम रहता है बड़े मियाँ तुम्हें। अरे भाई हम कोई खुदा के फरिश्ते नहीं, मामूली इंसान है भैया, मामूली इंसान। मैं नहीं मान सकता बड़े मियाँ, मामूली इंसान ये सब नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है। भाई तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, अबे मुझे जाने दो, तुम भी अपना काम करो। नहीं नहीं बड़े मियाँ, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा बड़े मियाँ, एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। अरे भाई मेरा यकीन करो, आगे होने वाली बात का वह मियाँ मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं बड़े मियाँ तुम मेरा बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम्हें सब मालूम है, तुम्हें मेरी एक बात बतानी होगी। हमें क्या आफत गले पड़ गई, इससे निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। अच्छा तो भाई बता तू के पूछना चाह रिया है? ये हुई ना बात बड़े मियाँ, हाँ जब तुम सब कुछ जानते हो तो मुझे ये बता दो कि मैं कब मरूंगा। अबे तू क्या पूछ रिया है, ये कोई बता थोड़ी सकता है कोई भी इंसान के तू कब मरेगा। नहीं नहीं बताओ ना बड़े मियाँ, बताओ मैं कब मरूंगा, तुम तो खुदा के फरिश्ते हो बड़े मियाँ, बताओ ना मैं कब मरूंगा। अबे तू आज शाम तक ही मर जाएगा। क्या? अबे कट गई आफत। आज शाम तक तो हमें मरना ही है, अभी मेरे पास शाम तक का समय भी है, तो क्यों ना अपनी कब्र ही खोद लूं, खामखा क्यों किसी को तकलीफ दूं। तेरा खुदा के बंदे
जाने कहां से आया, आज शाम तक मर जाऊंगा मुझको ये बतलाया, आज शाम तक मर जाऊंगा मुझको ये बतलाया, करूं कैसे मैं शुक्र माटी के पुतले, जाना पड़ेगा जरूर माटी के पुतले, जाना पड़ेगा जरूर। चिंता मत करना तू यहाँ तक साथ हमारा, अम्मी चिंता मत करना तू यहाँ तक साथ हमारा, सब का मालिक एक है देगा अल्लाह साथ तुम्हारा, सब का मालिक एक है देगा अल्लाह साथ तुम्हारा, इसमें क्या है मेरा कसूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। गांव के गली मोहल्ले छूटे छूटा गधा हमारा, गली मोहल्ले छूटे छूटा गधा हमारा, दुनिया याद करेगी मुझको मैं था सबका प्यारा, दुनिया याद करेगी मुझको मैं था सबका प्यारा, हूँ मैं तो बहुत मजबूर माटी के पुतले, जाना पड़ेगा जरूर माटी के पुतले, जाना पड़ेगा जरूर। अम्मी कैसे करेंगी अब, भूपेंद्र घर जाकर मेरी अम्मी को बतलाना, भूपेंद्र घर जाकर मेरी अम्मी को बतलाना, संसार छोड़ कर धीरे से समझाना, सीख गया संसार छोड़ कर धीरे से समझाना, रहना नेकी में मन चूर माटी के पुतले, जाना पड़ेगा जरूर माटी के पुतले, जाना पड़ेगा जरूर।
पुतले जाना पड़ेगा जरूर, माटी के पुतले जाना पड़ेगा जरूर। कब तो तैयार हो गई, अब यहाँ से कहीं जाना भी बेकार है। अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह मर गए तो यहाँ तक लाएगा कौन, इससे तो पहले अपने कब्र में लेट जाओ भैया, यही ठीक रहेगा। चलो भाई सेफ चिल्ली, लेट जाते हैं अपनी कब्र में ही। अबे ऐसा करो, इस माल का हिस्सा नहीं पे कर लो। अरे आज मजे आ गए, कितना माल मिला है, इससे तो सारी उम्र चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जल्दी करो मियाँ, जल्दी करो, कहीं किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, कोई देख ना ले। भाईजान ऐसी भी क्या जल्दी है, आराम से माल बांट लो, यहाँ तुम्हें कौन देखेगा। तो आपको हमारी तरफ से बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भूत 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 भूत। काफी देर हो गई, कुछ भूख सी भी लग रही है, चलो कुछ खाने पीने का इंतजाम ही करते हैं। लगता है आज खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। बड़ी अजीब कहानी है, जिंदा रहने पर आदमी रोटी का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है, पर मरने पर यह काम भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैं? इतना सारा माल, पर अब ये माल हमारे किस काम का है, हम तो मर चुके हैं। वाहरे ऊपर वाले, तेरे भी खेल निराले हैं। ये तो वही कहावत हो गई, जब दांत दिए तो चने नहीं, और जब चने दिए तो जब दांत नहीं। क्या करें? अगर ये माल ऊपर वाला मुझे तब दे देता जब जिंदा था तो मजे आ जाते, मेरी और मेरी अम्मी की जिंदगी बड़े चैन से कटती। खैर चलो कोई बात नहीं, चलो भैया चलते हैं अपने ठिकाने पर। अबे शेख चिल्ली, मैं नहा खबर में कैसे पड़ा है? कौन हो भाई? अबे मियाँ मैं तुम्हारा मित्र कलुआ हूँ। कहो कलुआ भाई जान, सब खैरियत तो है? ये उल्टी मुझसे खैरियत पूछ रिया है। अरे शेख जी तुम यहाँ कब्र में क्यों पड़े हो? मियाँ इतना भी नहीं जानते, मरने के बाद आदमी कब्र में नहीं तो क्या कचहरी में बैठेगा? मरने के बाद? हाँ कलुआ भाईजान, हम इस कब्र में मौज मस्ती के लिए नहीं लेटे हैं, तो? हम मर गए हैं कलुआ भाईजान। मर गए हैं? हाँ भाईजान। अरे मियाँ ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम मर गए हो? खुदा के फरिश्ते ने। खुदा के फरिश्ते ने? हाँ, वो आगे होने वाले काम को बता देता था। मैं पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, उसने मुझे देखते ही बता दिया कि तू गिर जाएगा। फिर मैंने उससे पूछा कब तक मर जाऊंगा, उसने कहा तू आज शाम तक मर जाएगा, और वही हुआ। अबे मियां तुम जिंदे हो। ये तो दिल को झूठी तसल्ली देने वाली बात है भाईजान। अबे शेख चिल्ली तू वाकई बेवकूफ है। कम से कम मेरे मरने के बाद तो मेरी बुराइयां मत करो भाईजान। चाची जान। अरे कौन है? कलुआ तू? हाँ चाची जान। क्या बात है, क्यों परेशान सा मालूम पड़ रही है? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है चाची जान। आखिर हुआ क्या, कुछ बताएगा अभी? तुम्हें पता नहीं शेख चिल्ली कहाँ है? हाँ, कल मुझसे कुल्हाड़ी खरीदने को पैसे लेकर लकड़ियों का व्यापार शुरू करने गया है। शहर से लकड़ियों को बेचकर आता ही होगा, पर तू क्यों परेशान लग रही है? चाची जान
उसने कहीं लकड़ी का व्यापार नहीं किया, वो तो कब्र में पड़ा है। क्या? हाँ चाची जान, और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हाय अल्लाह, ये बेवकूफ क्या करके छोड़ेगा। चल मेरे साथ, पता मुझे कहाँ है। चलो चाची जान। सेक चिल्ली, ओ सेक चिल्ली, कौन हो तुम? आँख खोल, सामने देख, मैं हूँ तेरी अम्मी। अम्मी जान, तुम अब आई हो? अरे मुझे तो अभी पता लगा है। अब तो बहुत देर हो चुकी अम्मी जान। मैं कहती हूँ कमबख्त मारे, ये नाटक छोड़ और सीधा घर चल। कमाल करती हो अम्मी, कभी कोई मुर्दा कब्र से उठकर दोबारा घर गया है क्या? अब तो ऊपर वाले से ये ही मन्नत करो कि वो तुम्हारा और गधे का ख्याल रखे। ठहर जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। ले कमबख्त, ऐसे नहीं मानेगा। ले अम्मी, ले अम्मी, रुको तो सही, ले रुको तो सही अम्मी। अच्छा, ये क्या कर रही हो? रुको, ऐसे नहीं मानेगा तू। कमबख्त नाक पे दम कर रखा है। अम्मी, अम्मी जान, अब मत मारो, मेरे बहुत जोर से लगती है। खबर लूंगी, मेरे बहुत जोर से लग रही है अम्मी जान। ऐसे नहीं मानेगा तू, ऐसे नहीं मानेगा। अम्मी, परेशान कर दिया। अम्मी, मेरे चोट लग रही है। अच्छा ले, ले। अम्मी लग रही है मेरे, मत मारो। क्यों? तू तो मरा पड़ा है, फिर तेरे चोट कैसे लग रही है? मरे हुओं को चोट नहीं लगती। तो जिंदा लोगों को लगती है। इसका मतलब मैं जिंदा हूँ? मियाँ सोल है आने। तो फिर वो खुदा का फरिश्ता तुम्हें बेवकूफ बना गया। चला फिर दोबारा कहीं मिला तो। मैं कहती हूँ नामुराद, सीधा घर चल, वरना तेरी खाल खींच लूंगी। अम्मी जान, वो साला खबीज मुझसे कहकर गया था तो मैं कब्र में लेट गया, इसमें मेरी क्या गलती है? सेक चिल्ली, ओ सेक चिल्ली। आया अम्मी जान। ये ले पैसे, दुकान से जाकर घी लिया। घी? हाँ हाँ घी, आज मेरा पूड़िया खाने को बहुत मन कर रहा है। अम्मी जान, फिर तो मैं भी पूड़िया खाऊंगा। खिलाओगी ना मुझे पूड़िया? क्यों अम्मी जान? अरे कमबख्त, पहले दुकान से घी तो लिया। हाँ हाँ अम्मी जान, मैं नू गया और नू आया। लो सेठ जी, हमें आठ आने का घी दे दो। अरे बिल्कुल मियाँ, अभी लो। पर मियाँ घी ले जाओगे किसमें? ये तो अम्मी ने बताया ही नहीं। अगर मैं सुई की तरह घी ले गया तो फिर अम्मी मारेंगी, अब क्या करूं? हाँ ये ठीक रहेगा, घी को मैं अपनी टोपी में रखकर ले जाऊंगा। लाओ सेठ जी, लाओ घी, लाओ मैं ले जाऊंगा। ले जाने का फिक्र मत करो, मेरे पास है इंतजाम। लो जी लो। हाँ ये ठीक रहा ना, आज तो पूड़ियाँ बनेंगी, हम पूड़ियाँ खाएंगे, अम्मी जान पूड़ियाँ बनाएंगे हमारी, मजे आ जाएंगे आज तो हमारे। आज तो धूप बहुत पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है आज तो। लो अम्मी जान घी ले आया। बेटा ला, ला कहाँ है घी, कहीं रास्ते में तो नहीं गिराया? नहीं अम्मी जान, अब मैं बहुत चालाक हो गया हूँ। ये घी कहाँ चला गया? मैंने तो अम्मी जान यही टोपी में ही रखा था। अरे नालायक, घी जैसी चीज भी टोपी में रखने की होती है क्या? नास पीटे, तुझे कभी अकल आएगी या नहीं आएगी?
सारा दिन नुकसान ही करता रहता है। अम्मी जान इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जैसे सुई खो गई थी, मैंने कहा अम्मी नाराज हो जाएंगी, मैंने तो इसलिए ये टोपी में रख लिया था अम्मी, अब मेरी क्या गलती है इसमें। तू कभी नहीं सुधर सकता, दूर हो जा मेरी नजरों से। लो जी लो, दूर हो जाते। अबे मियाँ सुनो तो। क्या बात है सेठ जी, जल्दी बतलाइए, हम तो काम की तलाश में जा रहे हैं, हमारा टाइम खोटा मत करो, सुबह सुबह बोनी का टाइम है। अरे मियाँ काम की तो बात हम कर रहे हैं, रुको तो सही। क्या कहा सेठ जी, काम की बात? हाँ हाँ काम की बात कर रहे हैं मियाँ। जल्दी बतलाओ सेठ जी, हमारी अम्मी बहुत नाराज है, हमें बहुत सारे पैसे कमा कर अम्मी जान को देने हैं। अरे वही तो हम कह रहे हैं मियाँ, ये हमारा घी का कनस्तर है, इसे बाजार तक ले चलो। ठीक है ठीक है जी, हम तुम्हारा घी का कनस्तर बाजार तक पहुंचा देंगे, पर ये बतलाओ कि तुम हमें इसकी क्या मजदूरी दोगे? मियाँ हम तुम्हें इस काम के दो आने पैसे दे देंगे। बस दो आने पैसे? हाँ मियाँ हम तो दो आने पैसे ही दे सकते हैं, देख लो, अगर नहीं ले जाना तो कोई बात नहीं, हम किसी और को पकड़ लेंगे, काम करने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। अरे नहीं नहीं सेठ जी नहीं, लाओ लाओ घी का कनस्तर मेरे सर पर रख दो। लो मियाँ। ठीक है जी चलो, सुबह सुबह बोनी का टाइम, ठीक रहा, घर से निकलते काम मिल गए। ये सेठ मुझे इस काम को दो आने पैसे दे दे, उन दो आने पैसों से मैं दो अंडे खरीद लूंगा, फिर उन अंडों से दो चूजे निकलेंगे, चूजे बड़े हो जाएंगे, एक मुर्गी बन जाएगी, फिर मुर्गी अंडे देगी, फिर उनमें से भी चूजे निकलेंगे, धीरे धीरे मेरे पास में बहुत ढेर सारी मुर्गियां बन जाएंगी, ढेर सारे मुर्गे हो जाएंगे, बड़ा फार्म बन जाएगा मेरा मुर्गी फार्म का, शेख जी का मुर्गी फार्म, बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखवा दूंगा शेख जी का मुर्गी फार्म, और फिर तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। कहीं ये साला सेठ तो ना सुन रहा, मेरी बात सुनकर कहीं यही साला बड़ा आदमी बन जाए, पर मेरी ये बात इसकी समझ में नहीं आती, ऐसी बातें हर किसी की समझ में नहीं आती। ये नहीं सुन रहा, मैं खुद ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा, शादी हो जाएगी मेरी, बच्चे हो जाऊंगे, कम से कम 12 बच्चे करूंगा, जब बच्चे पैसे मांगे करूंगे मुझसे, अबू अबू एक लोपा दे दो, दे दो ना अबू एक लोपा दे दो, मैं सब का नोट निकाल के दे दूंगा। बेबी कह रही अजी बच्चों को बिगाड़ो मत, आप तो बच्चों को बिगाड़ रहे हो। चलाट तूने क्या कर दिया नालायक, अबे मेरा सत्यानाश कर दिया तूने मनहूस, मेरा सारा घी बिखर गया रे, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया। अबे कभी इसकी औलाद, तुझे अपने जरा से घी की पड़ी है, हैं? मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। मेरी बीवी, आय अल्लाह मेरे बच्चे, मेरा मुर्गी फार्म, अरे मैं लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया रे, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अबे खबीज की औलाद, तुझे अपनी पड़ी, जरा से घी की पड़ रही है तुझे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, चल यहाँ से निकल जा, निकल ले यहाँ से निकल ले। भाई साहब ठहरिए। अबे क्या मतलब पड़ा, मैं क्या कह रहा है? अरे भाई साहब आप इस रास्ते पर मत जाइए। क्यों? इस रास्ते पर एक ऐसा आदमी रहता है जो बेवकूफ बनाता। क्या बेवकूफ बनाता? हाँ भैया। अबे अपना काम कर बड़ा यार, चल तू अपना रास्ता देख, भला हमें कोई बेवकूफ बना सकता, हम दुनिया का बेवकूफ बनाते।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अबे कौन है तू? भाईजान मेरा नाम शेख चिल्ली है। अबे क्या काम करता है? भाईजान बस छोटा सा व्यापार है। क्या? बेवकूफ बनाने का। अच्छा तो तू है जो बेवकूफ बनाता है? जी भाईजान। अबे तू सबका बेवकूफ बना देता है। बड़े इत्मीनान सा। तू मेरा बेवकूफ बना सकता है? अबे चुटकियों में। अबे अपना काम कर, बड़ाया बेवकूफ बनाने वाला। अबे शकल से तो तू खुद ही बेवकूफ नजर आ रहा। आजमा कर देख लो भाईजान। अच्छा तो तू मेरा बेवकूफ बनाकर दिखाएगा? तू मेरा बेवकूफ बना ही नहीं सकता। ठहरो ठहरो भाईजान, तुम नाराज हो रहे हो। देखो ऐसा है, बेवकूफ बनाने से पहले मेरी एक शर्त है। वो क्या? अगर तुम वो सामने वाला पेड़ दौड़कर 2 मिनट में छूकर आ जाओ तो मैं तुम्हारा बेवकूफ बना सकता हूँ। और अगर 2 मिनट में नहीं आए तो? बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। अबे तू आज मेरे हाथ से बचकर जा ही नहीं सकता। मैं यूं गया और यूं आया। भाईजान, 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 देख कर जरा कैसी रही, कहो कैसी रही। अरे मियाँ शेख चिल्ली, आ जाओ मियाँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। अस्सलाम वालेकुम मियाँ, बैठो और सुनाओ कैसी कट रही है मियाँ। बस चचा जान, करम है ऊपर वाले का, बस सब ठीक ठाक चल रहा है। बेटी सकीना। ओ सकीना। जी अब्बू। बेटी मेरी खिचड़ी तैयार हो गई क्या? जी अब्बू, आज तो मैंने आपके लिए लजीज खिचड़ी बनाई है अपने हाथों से। आज खिचड़ी खाकर तो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, चाटते। अब ऐसी बातों से पेट भरती रहेगी बेटी या खिचड़ी खाने को भी ला कर देगी? ओहो अब्बू, आप ऐसे कह रहे हैं, मैंने खिचड़ी आपके लिए तो बनाई है, मैं अभी लाती हूँ। बेटी जल्दी लिया जल्दी लिया, भूख के मारे सुबह से पेट में गधे लेट रही है। रहीम चाचा, रहीम चाचा, ये खिचड़ी क्या होती है? भाई खिचड़ी खाने के लिए होती है। खिचड़ी होती कैसी है चाचा? अभी तुम्हारे सामने आ रही है, देख लेना कैसी होती है। अब्बू ये लो आपकी खिचड़ी, चलो पहले हाथ धो लो। क्यों मियाँ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही देख रहा था। अब्बू लगता है शेख मियाँ खिचड़ी की खुशबू ले रहे हैं। क्यों मियाँ, अच्छी खुशबू है ना? ना बेटी ला, अब तो तेरे हाथ की बनी खिचड़ी देखकर भूख और जोर से लग रही है मुझे। ला बेटी। वाह बेटी वाह। वाह बेटी वाह, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। इतनी स्वाद खिचड़ी खुदा कसम पहले जीवन में कभी नहीं खाई। ईमान से मजा आ गया। और सुनाओ मियाँ, भाभी जान कैसी हैं? अरे मियाँ कहाँ खो गए? अब्बू पूछ रहे हैं ताई जान कैसी हैं? हैं? ताई जान? कहाँ ताई जान? कैसी ताई जान? किसकी ताई जान? अरे मियाँ मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अम्मी जान? ठीक है ठीक है जी अम्मी जान। अब्बू और लाऊं खिचड़ी? हाँ हाँ ले आओ ले आओ। अरे बेटी अब नहीं अब नहीं, अब तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं है बेटी, खुदा कसम। अब्बू जान थोड़ी सी खिचड़ी और ले लो ना, ले लो ना अब्बू, ले लो ना। बेटी खिचड़ी से मन तो नहीं भरा, परंतु क्या करूं, इस पेट से परेशान हूं बेटी। चचा थोड़ी सी खिचड़ी और मंगवा लो। नहीं मियां नहीं,
अब जरा सी भी खिचड़ी खा ली खुदा कसम पखाना बाहर हो जाएगा। पानी। अच्छा चाचा जान मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज मियां, आते रहा करो जरा। बुड्ढा अपने आप ही सारी खिचड़ी खा गया पेटू कहीं का। मैं घर चलकर अम्मी से खिचड़ी बनवाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो मैं इसका नाम भूल जाऊं। यहीं से रटता हुआ चलता हूँ, ये ठीक रहेगा। खिचड़ी 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 खिचड़ी। हैं, क्या कह रहा था मैं? हाँ, खाचड़ी 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 खाचड़ी। क्यों रे नालायक, हम तो कितनी मेहनत से फसल उगाते हैं और तू इन चिड़ियों को खिला रिया, ये ले। अरे ले 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 ले। तो मैं क्या कहूँ चोई साहब? खाचड़ी खाचड़ी मत बोल। फिर क्या कहूँ मैं? यो कहे उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी। ठीक है जी, ऐसा ही कह दूंगा मैं। उड़चड़ी 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 उड़चड़ी। क्यों भाई? ए रुक, मैं बताता हूँ तुझे, यहाँ तो सुबह से बैठे हैं उड़चड़ी उड़चड़ी। मारते क्यों साले? उड़चड़ी मत बोल। फिर क्या कहूँ जी मैं? यों के आती जा आती जा आती जा, फंसती जा फंसती जा। ठीक है जी, ऐसा कह देंगे हम। आती जाओ आती जाओ फंसती जाओ, आती जाओ फंसती जाओ, आती जाओ फंसती जाओ, आती जाओ। चले मियां के बच्चे, ऐसे क्यों कह रिया? और कैसे कहूँ फिर? और क्या कहूँ जी फिर मैं? यों कहे लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, ऐसे के ऐसे कह दूँ। लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। अरे रुक जरा, तेरी तो ऐसी की तैसी। मार क्यों रहे हो? तुझे दिखाई नहीं दे रहा जवान लड़का खत्म हुआ है? तो क्या कहूं भाईजान? यूं के अल्लाह ऐसा किसी का ना करे। ठीक है जी, ऐसा कह देंगे, अल्लाह ऐसा किसी का ना करे, 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 ऐसा किसी का ना करे, अल्लाह ऐसा किसी का ना करे, अल्लाह ऐसा। क्या कह रिया? अब आप भी मार रहे हो, क्यों मार रहे हो जी? तू ऐसा कर चुपचानी, अपने घर को चला जा, समझे नालायक। ठीक है जी, मैं अपने घर को चला जाऊंगा, जा रहा हूं जी। ठीक है। अम्मी जान, अम्मी जान। अरे क्यों हाँ प्रिया है, क्या हो गया? अभी तू मेरे खाने को वो बना दे। क्या बना दूं? वो बना दे। वो क्या? वो ही बना दे। तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये तो बता क्या बना दूं? और वो ही बना दो जो चाचा रहीम के घर बनी थी। रहीम चाचा के घर बनी थी? हाँ हाँ, जो सकीना ने बनाई थी। हाँ अम्मी जान वो ही। तू तो पागल है, मेरा दिमाग खराब कर रिया है, ठहर जा। अरे ले, दिमाग खराब करता रहता है। अम्मी, अरे चाची जान, चाची जान ठहरो, क्या कर रही हो चाची जान? इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। चाची जान सुनो सुनो, ठहरो ठहरो, सुनो सुनो। अम्मी, ले अम्मी जान। चाची जान, चाची जान रुको। अरे चाची जान, ये रुको चाची जान, अम्मी जान। अरे चाची जान रुको, अरे रुको चाची जान,
चाची इसकी मार मार के खिचड़ी बना दोगी क्या? अरे खिचड़ी बना दोगी इसकी मार मार के? क्या क्या बना दोगी? खिचड़ी। दोबारा बोलना क्या बना दोगी? अबे खिचड़ी। अरे फिर से कहना क्या बना दोगी? अरे यार खिचड़ी। एक बार और कहना। अबे खिचड़ी। अरे एक बार दोबारा से कहे। खिचड़ी। हाँ खिचड़ी। अम्मी जान मैं तुमसे खिचड़ी के लिए कह रहा हूँ, खिचड़ी बना दो। क्या?